और सियासी मंजरनामे से अब खबर यह है कि हुकूमत काफली को राम करने में कामयाब हो गई है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि चाहते हैं ये इत्तेहाद इलेक्शन तक चले, हर मुश्किल का मिलकर सामना करेंगे। परवेज खटक ने भी गलत फहमियाँ खत्म होने की तस्दीक कर दी, कहा मुखालिफीन की फैलाई गलत फहमी दूर हो गई, साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। हमारी बड़ी खुल के हर इशू के ऊपर डिस्कशन हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अब क्लैरिटी आई है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि हमें कोई शक नहीं है इमरान खान साहब की क़यादत और उनकी नीयत में, उनकी कोशिश में, उनकी स्ट्रगल में जो तरीक़ाकार है उसमें बेहतरी लाने के लिए इंशाल्लाह हम सारे इकट्ठे मेहनत भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे और हम चाहते हैं कि ये इसी तरह हमारा इत्तेहाद जो है ये अगले इलेक्शन तक चले और आगे चल के भी हम इकट्ठे अगले इलेक्शन में भी इकट्ठे जाएं। मामूली मामूली छोटी छोटी बातें थी लेकिन लोगों ने इसको इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी कि लोग समझने लगे कि हम बेतफाक हो गए आपस में। ऐसे कभी नहीं हुआ था, हम थ्रू आउट कॉन्टेक्ट में थे, हम पहले से साथी हैं, अब भी साथी हैं, आइंदा भी साथी रहेंगे। तो ये गलतफहमी हम दूर करने आए थे, हमारे बीच में कोई ऐसा झगड़ा नहीं है।